ना फैंटेसी की दुनिया में फिर से। भाई साहब तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्शन किया था विराट कोहली नहीं चलेगा, और विराट कोहली नहीं चला। मैंने बोला रजत पाटीदार बनाएगा कम से कम 40 रन आज के मैच में। कहां पर बोला? अपने लाइव शो में, जो हमारा फैंटेसी काउंटडाउन शो होता है 6:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं उसमें। मैंने बोला फैब डू प्लेसिस फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए कम से कम 50 रन बनाएगा। फैब डू प्लेसिस ने भी बहुत बढ़िया पारी करी, पारी खेली, मस्त बैटिंग करी। मैंने सेकंड इनिंग में बोला ईशान किशन का, और बोला रोहित शर्मा भी 35-40 के आसपास बनाएगा, उसने 38 रन बनाए। सोचो, मैंने बोला रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में 50 नहीं कर पाएगा, मगर टीम में रखने के लिए अच्छा प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 35-40 के आसपास बनाएगा। बंदे ने 38 रन बनाए। सोचो, सूर्य कुमार यादव के बारे में बोला कि वो सेकंड इनिंग में चेस करते बहुत अच्छा खेलता है। सूर्य कुमार यादव ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करी और मुंबई को मैच जीता। ये भी बोला था आरसीबी चाहे 220-230 बना ले, लेकिन मैच मुंबई जीतेगी। और कल की बैटिंग देख के आपको लगा भी होगा, अगर आरसीबी 250 रन भी बनाती ना तो मुंबई की टीम चेस कर लेती। तो भाई यही होता है, यही बात है। जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करते हुए 3-4 विकेट लेगा, कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन है, हमने किया उसको कैप्टन। तो बुमराह ने कितने विकेट लिए? 5 विकेट, हमारा कैप्टन था वो। स्मॉल लीग टीम से मिनी ग्रैंड लीग लोग जीते हैं, मिनी ग्रैंड लीग लोग स्मॉल लीग टीम से जीते हैं। मैंने अपनी स्मॉल लीग वाली टीम से 25 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट जीते हैं। तो भाई यही होता है, यही हाल है प्रेडिक्शंस का। जब आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मैच में काम करो, लोगों का प्यार, लोगों की दुआ आपके साथ हो, तो ऊपर वाला और ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ हो, तो रिजल्ट ऐसे ही आता है। और जो आप लोग प्यार दे रहे हो मुझे वीडियो में, यही कारण, ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा रीज़न ये है अच्छे काम करने का, कि आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो वीडियो में। मैं जितने लाइक से बोलता हूँ उतने लाइक आप लोग कर देते हो, मैं जितने कमेंट बोलता हूँ उतने कमेंट हो जाते हैं, शेयर भी कर देते हो आप लोग, और क्या चाहिए मुझे। तो यही बस है, और एक वादा बस में देता हूँ कि ऐसे ही आपको अच्छे प्रेडिक्शन, अच्छी टीम देता रहूँगा। जो मैच खराब होगा, जैसे कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आज मैच अच्छा है, फिर के कमाल हो, कमा लिया। परसों राजस्थान वाले मैच में मैंने बोला था मैच अच्छा नहीं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, अगर आप लोग खेलते ज़्यादा तो हार जाते। तो जो मतलब जैसा मुझे फील आता है कि अच्छा मैच है तो मैं खुद भी बता देता हूँ, अगर लगता है खराब मैच है तो खुद बता देता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ कि पूरी वीडियो देखो, कहीं पर भी वीडियो में जो भी बात बोल रहा हूँ, हर वीडियो, हर पॉइंट आपको सुनना है ध्यान से, ताकि आपको आइडिया लगे मैच में क्या होने वाला है, कौन परफॉर्म करने वाला है, पिच कैसी होने वाली है, सब चीज़ें। ऐसे ही प्यार देते रहो, पूरा पूरा वीडियो देखते रहो शुरू से एंड तक। जितना ध्यान से आप वीडियो देखोगे, जितना मन से आप वीडियो देखोगे, उतना आपको ज्ञान मिलेगा, और जितना ज्ञान इकट्ठा करोगे लॉन्ग टर्म आपको उतना ही प्रॉफिट, उतना ही फायदा है। समझ रहे हो? आंखों में मेरी थोड़ी सी नींद आ गई, पता है क्यों? क्योंकि बहुत जग कर रहा हूँ, रात दिन रात जग के काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी लग रहा होगा पूरे पूरे दिन मैं कितना काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर आज का वीडियो। और उम्मीद ये करते भाइयों कि प्लीज़ आज भी मतलब सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को, सब लोग कॉमेंट कर दो। मुझे इस वीडियो में 1,00,000 लाइक की उम्मीद है। आई होप आप लोग 1,00,000 लाइक कर दोगे, और कम से कम 70-80 हज़ार कॉमेंट की उम्मीद है। आई होप आप लोग 70-80 हज़ार कॉमेंट भी कर दोगे। तो 1,00,000 लाइक, 70-80 हज़ार कॉमेंट कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा आपका भी ज्ञान बढ़ता जाएगा, और हमारे रिजल्ट और अच्छे भी होते जाएंगे। अभी तो खैर बढ़िया चल ही रहा है, बट और भी अच्छे होते जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी वीडियो मिस ना करना। और जो हमारा फैंटेसी शो है, जो 6:30 बजे हम लोग आते हैं, हमारा शो स्टार्ट होता है फैंटेसी काउंटडाउन, उस पर जरूर आया करो हमारे चैनल पर। जिसने नहीं देखा है, लाइव वाले सेक्शन में जाओ हमारे चैनल पर और शो देखो, मज़ा आ जाएगा, क्या गजब का शो होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज की वीडियो। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा।